अमृतसर से हार कर केंद्र की कैबिनेट में मंत्री बने हरदीप पुरी आज हार के बाद भी अमृतसर आए। इसी बीच उन्होंने गुरु घर में माथा टेका और गुरु घर की खुशियां प्राप्त की। इस बीच उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उनको केंद्र की सरकार ने दी है वह उसे तहे दिल से निभाएंगे। इसके साथ ही उन्हें तीन बड़े मंत्रालय जिसमें कि शहरी विकास और उद्यान शामिल है, इसका कार्यभार उनको मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह एक निजी दौरे पर आए हैं और पार्टी की तरफ से वह बाद में आएंगे। साथ ही कैप्टन अमरेंद्र सिंह जीतने के 3 महीने के बाद आए थे और वे आज एक दिन बाद आए हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक मान की बात है कि उनको गुरु नगरी की सेवा का मौका मिला है। पूछिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं मत्था टेकन आया, ठीक है। बहुत वधिया कैंपेन रही, ते आज मैं दरबार साहब ते दुर्गाना मंदिर मत्था टेकने आया। ये पर्सनल विजिट हैगी, इसलिए मेरा कोई सरकारी काम नहीं है, इसलिए मैं पर्सनल विजिट है। सिर्फ फैमिली दे लोग हैगे, तो मैं ना पार्टी नो इनफॉर्म कीता ना किसी नो, उदे वास्ते मैं अलग आवांगा, समझे ना। वो जड़ा पार्टी हुन पिछली बारी तुसी कहंदे सी कैप्टन साहब जदों इत्थों इलेक्शन जितते सीगे पता नहीं 2-2.5 महीने लगे उन्होंने आन, तो मैं कहना मेरे बारे ना इहो जिहियां गल्लां करना बाद। इसने मैनूं जो पहला मौका मिलिया, मैं इतों परसों स्वेयरिंग इन सी ना कैबिनेट की, हाँ परसों स्वेयरिंग इन के बाद मैं आ जाता परसों राती, पर हो नहीं सकता सी क्योंकि पोर्टफोलियो मिलने से, पोर्टफोलियो कल मिले ने, तो कल सारा दिन बिजी हो गया। अज मैं लंबा विजिट बना सकता सी, हो नहीं सकता क्योंकि सवेरे 9 बजे मीटिंग्स है, इसलिए सिर्फ मैं मत्था टेकने आया। और मैं समझना कि मेरे वास्ते बहुत वड्डी गल है, बहुत मैं खुशकिस्मत हाँ कि मैनू गुरु की नगरी का सेवा करने का मौका मिलया। इलेक्शन नाल इमोशनल ते परसनल बॉन्ड भी हो गया, ते सेवादार हाजिर होएगा इत्थे, लग रहा है कुछ, मैनू भी लग रहा है कि मैनू देखो मैं तो यह कह सकता तुम मैं अपना MP चुन लो, तुम नहीं डिसाइड किया, यदा मतलब थोड़ा कि मैं नहीं रहा। मैं देखो मैं तो मैं इन जगह मैं रियलिस्टिक कहना चाहना, पिछली बारी मैं ये कह सकता अगर तुम मैं MP इतों इलैक्ट करते हो तो मैं जो टाइम पार्लीमेंट जोड़ा होंगे 3 महीने साल में छड़ के अद्धा टाइम इतने रहा, तो अद्धा टाइम दिल्ली, हूँ ऑब्वियसली मेरे होर रिस्पोंसिबिलिटी, उन्ना अद्धा टाइम तो नहीं रहा पर मैं आंदा जाता रहा, तो आज तुम्हें दिखाई दिता मैं आ गया। मैं तो संकल्प पत्र ऑलरेडी विजन स्टेटमेंट है, तो मैं विजन स्टेटमेंट थोड़ा चेंज करती है 2-3 दिन। 100% देखो वो विजन स्टेटमेंट इसलिए बनाई सी कि जो अमृतसर के वोटर है उन्होंने पता लगे कि मैं की कुछ कर सकना, ठीक है। हुन वो काम तो जो MP उन्हों करना चाहिए, पर उन्हों मेयर हैगी गुरु महाराज दी कि मैनू महकमे 3 योजे मिल गए ने जिदे जिदी जोड़े नॉर्मल मैंडेट हैगी थ्रू बहुत हो सकता। उन्हें एक जिस तरह पुराना मेरा जोड़ा महकमा है शहरी आवास ते अर्बन अफेयर्स का, वो सारिया जड़िया स्कीम है, मैं पहले भी कहा सीगा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत, ठीक है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, तो मैं ये कहा सीगा पहले कि 15 अगस्त तक 3 महीने के अंदर अंदर एक्शन प्लान बना लाँगा। हूँ मेरी वो प्रेशर नहीं है मेरे वास्ते क्योंकि मैं अमृतसर का MP है, पर मेरे जो मेरा इरादा हैगा, जी मेरी कमिटमेंट है, वो कोई डायल्यूशन नहीं हुई थी। और मैं तुम्हें तो लिखा मेरा पढ़ो विजन स्टेटमेंट, मैं क्या अमृतसर एक इंटरनेशनल सिटी बनावांगे असी, जी ग्लोबल मतलब वर्ल्ड रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज सिटी, ठीक है। मैं विजन स्टेटमेंट पढ़ लो, वास्ते तुम्हें तो कनैक्टिविटी चाहिए है, तो बिल्कुल जिस तरह बोनस हैगा, मैं समझना मेरे वास्ते नहीं अमृतसर वास्ते कि मैं उन्होंने सिविल एविएशन का चार्ज देता। अमृतसर के लोगों के बारे मैं क्यों कुछ कह, देखो 19 दिन मैं 40.6-41% 41% वोट मिली, 3.5 लाख वोटा पईया ने यार,
मतलब ये कोई छोटी गल नहीं है, मतलब लोगों ने जो प्यार दिखाया, जो मैं साथ दिता है वो नहीं। दूजी गल हार जित तो होती रही इलेक्शन च। पहली गल तो सिविल एविएशन सैक्टर कोई डिप्रेशन ही नहीं है। 17-18% उसकी ग्रोथ हो रही है। कोई बंदा 2% भी ग्रोथ हो रही हो तो वड्डे बेस लैवल तो इसमें कोई डिप्रेशन ही नहीं है। जो कि उन्होंने जो स्टेटमेंट की है कि उन्होंने मिनिस्टर चाहिए वो मैं उससे कोई टिप्पणी नहीं करा। सतारा परसेंट ग्रोथ हैगी यार, एयर इंडिया की प्रॉब्लम है ना, जेट की प्रॉब्लम है, सैक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिगो जिहड़ा हैगा उहदी उहदी अगर ग्रोथ रेट देखो तो वधी जा रहा, वधी जा रहा। तो मैं तो नहीं समझना कोई कोई इंडिगो का रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर के खिलाफ स्टेटमेंट देगा। मैं तो देखो 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 मनु एक दिन होया पोर्ट, मैं कल तो ब्रीफिंग लै रहा। तुसी अगर कहो कि मैं तुहानू एक दिन के ब्रीफिंग के बाद आई विल ट्राई, दिस इज अ प्रोफेशनल गवर्नमेंट, वी लुक एट इट, बट आई कांट गिव यू अ सॉल्यूशन ऑन दैट इन वन डे। सर पंजाब 550 साल का ये डिमांड है कि अमृतसर की फ्लाइट्स चालू की जाए। अमृतसर तो फ्लाइट्स है गया, पर अमृतसर में ज्यादा कनेक्टिविटी देना चाहिए, कनेक्टिविटी ज्यादा चाहिए। इवन पार्क ने तो अनाउंस स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करते हैं 6 पिलग्रिम्स वास्ते जेडे आ रहे हैं। देखो स्पेसिफिक मैं तुहानू की कहना, मैं प्राइवेट विजिट ते हां, स्पेसिफिक डिटेल पार्क ने की करता है, सानू की करना चाहिए, दिस इज नॉट माई जॉब। इधर अद्धे जड़े क्वेश्चन है तुसी औजला साहब नू पुछो वो की करन। नहीं मैं गलती नहीं करा, हर एक इलेक्शन एक आदमी जिद्दा दूजा हारदा है, ठीक है, इहदे कोई हार नहीं है। 19 दिन एक कैंडिडेट आके 3.5 लाख वोट, 40% वोट लै, अगर उस कोई ऑर्गेनाइजेशन गल है तो ऑर्गेनाइजेशन देखेगी। मैं तो बड़ा खुश हैगा मिस्टर सिद्धू आजकल फिर बड़े लाइमलाइट हो गए, आगे ने गुड गुड। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, बट वो कहते नहीं मेरा। देखिए देखिए डेमोक्रेसी में मंत्रालय जुड़े हैं, डेमोक्रेसी विच डिफरेंसेस नहीं होंगे तो की होंगे। देखो हर एक पार्टी दी, जो पार्टी की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, उसके अंदर एस्पिरेशन होती है कि इलेक्शन लड़े। साड़ी पार्टी जी होंगे लोग जो इलेक्शन लड़ रहे, तो उसके एक बार कैंडिडेचर अनाउंस हो जाए उसके बाद सारे इकट्ठा काम करना चाहिए, ठीक है ना। सिद्धू साहब की उधर दूजी किस्म की प्रॉब्लम है, क्यों मैं कांग्रेस पार्टी से थोड़ा इसे इंटरव्यू तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देना आया। मैं देखो मैं तो एक इस बार भी मैं इलेक्शन जो है ना मैं नहीं टिकट मंगया सीगा, बिल्कुल क्लीयर हैगा, ठीक है। इसलिए मैंने पार्टी ने क्या इलेक्शन वास्ते हूँ मैं समझता एक जो एक्सपीरियंस है बड़ा वधिया रहा, हूँ अजय रहन दो, अजय 5 साल इलेक्शन नहीं होगी अजय, तो अजय मैं अजय कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ मैं भी पढ़ी सी, मैं भी स्टेटमेंट पढ़ी सी, इस बारे मैं की कहवा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं मैं समझा नहीं थोड़ी गल। हाँ जी किन्ने चुनिया सी, हाँ उन्हें चुनिया सी, नहीं होया किसी, मैं तुहानू बैकग्राउंड देना। मोदी जी ने फैसला किया सीगा कि जेडे भी उन्होंने मंत्रिमंडल है साथी उन्होंने जाके एक दो रात बितानिया चाहिए ने किसी पिंड, खास करके जी एसपरेशनल डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब मतलब बहुत ज़्यादा वेल टू डू ना हो तो, ते दिल्ली साड़ी पार्टी ने शायद कोई सजेस्ट किया कोई पिंड, पर वो अमृतसर जिले के बाहर पै रहा है, समझ गया ना। ए उस बाद की होया कि मलिक साहब ने सजेस्ट किया तुम उत्थे क्यों जाते हो, तुम मुदल चले जाओ, तो उन्होंने अपने तरफों से क्योंकि अमृतसर के कॉन्स्टिट्यूएंसी पैंदा सी, तो मैं गया सी उत्थे रात में बिताई सी, उत्थे जदों मैं देखा कि उत्थे कंडीशन है लिविंग दियाँ, मैं क्योंकि बिजली नहीं सी उस वक्त, लाइट फेल हो गई सी, सड़कां कच्चियां सी,
तो मैं उस वक्त फैसला किया सीगा कि मैं इस सड़कों को पक्का करवा रहा हूँ, 4.5 किलोमीटर से कम भी करवाता है, बाकी वो जड़ी LED लाइट्स भी लगवाती हैं सारे पिंड, वो बैकग्राउंड ये है बस। CSR के थ्रू की काम करा रहा हूं मैं, CSR रख रहा हूं, मेरे को तो MP के फंड हैगे नहीं। तो यार साड़ियाँ अपनी स्कीम्स है, साड़ियाँ अपनी स्कीम्स है। इससे देखो दो चीज़ा होंगे ना, एक होंगी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जोड़ा MP होए उस एरिया का उन्होंने MP लैड फंडस मिलते हैं, समझे ना, और लगाने चाहिए उ। पर मैं कह रहा अगर मैं एज ए मिनिस्टर मेरे को जो भी साड़ियाँ गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत, हृदय ऑलरेडी काम हो रहा, होर भी हो करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम। MP लैड तो उन्होंने सेंटर तो मिल रहा, मेरे को थोड़ा होगा। हाँ जरूर जरूर आए उन्होंने, नहीं नहीं बिल्कुल देंगे यार, साथ क्यों नहीं देंगे। उन्होंने मीटिंग मंगी सी मेरे को, आने वाला सी कल या आज शायद। हाँ हाँ मैं पता है, मैंने अपने वो जो हमारा संकल्प पत्र हमने जो सर्कुलेट किया था उसमें मैंने ये कहा था कि बाकी जो समस्याएं हैं शहरी हलकों में उनके अलावा, क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अमृतसर और इसमें और भी हैं यहाँ पे, इनको एक खास दर्जा देना चाहिए, उसको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए। पर ये जो डिमांड जो है ये मैं समझता हूँ आनी चाहिए, मैं तो इसको इनक्रेज करूँगा, पर ये औजला जी से आनी चाहिए, ये आनी चाहिए कैप्टन साहब की तरफ से, हमारे मेरी तरफ से जो हो सके मैं इसको ज़रूर मदद करूँगा। देखिए परफॉर्मेंस हमेशा रिलेटिव, देश में मोदी की लहर थी, आप मानते हैं कि पंजाब में मोदी लहर नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं इसमें अब मैं स्पेसिफिक्स में नहीं पढ़ूंगा। अब ऐसा है कि उन्होंने ये दावा किया था कि उनको 13 में से 13 सीटें मिलेंगी, उन्होंने ये भी कहा था कि 13 में से अगर कोई सीट उनको नहीं मिली तो उस पर वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। देखो चुनाव लड़ते समय बढ़ेगा, अब उनकी 13 नहीं आई 8 आई हैं, हमारी 3 नहीं आई 2 आई हैं, ठीक है। अब सब लोग कह रहे हैं कि हमारे वो आंकड़े बढ़े हैं, हमारे जो को मैं आपको अपने बारे बताता हूँ, पिछला जो चुनाव था यहाँ पे 2017 का, वो हम मान लीजिए एक फिगर से हारे हैं, वो मैंने 1 लाख लोग मेकअप किया उससे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि ये अच्छा है खराब, रिलेटिव बात कर रहे हैं आप, पर मैं उस चीज़ पर जा ही नहीं रहा हूँ, वो हो गया चुनाव खत्म, ठीक है। अब उसका क्या कारण था वो नहीं था, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जो मेरी एनालिसिस होगी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू नहीं दूंगा, वो मैं अपने पार्टी को जो बोलना होगा या पार्टी ने जो कहना होगा, तो आपको एक चीज़ तो जाहिर है पार्टी के चुनाव उसमें नतीजे के बाद मेरा तो पहला चार्ज था हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, उसके बाद सिविल एविएशन और वो भी उन्होंने दे दिया, तो पार्टी ये चीज़ें तय करती है, सरकार प्रधानमंत्री तय करते हैं। मोदी वेव तो थी यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, नहीं नहीं अब मैं अब ना हाँ हाँ अकाली दल 10 out of 2 नहीं नहीं तो अब मैं अकाली देख देखिए आपको मैं बहुत देर से जानता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रभावित भी हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाली दल के मैं बात कुछ करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ये वो मौका नहीं है जहाँ हम बैठ के एनालाइज करें और कहें इसकी गलती है उसकी गलती है। आप चीज़ आप एक चीज़ देख के चलिए, हमारी जो BJP के जो हलके थे और परफॉर्मेंस थी, ठीक है, क्या था हमेशा हमारे शहर यहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसमें कमी रह जाती थी, यहाँ पे हमने ठीक किया, और बाकी जो है वो स्टेट वाइज उसमें मैं क्यों कोई टिप्पणी दूँ। सर रूरल में आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला कि शहर में बहुत बहुत बढ़िया शहर। आप जो आपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था उसके आप खत्म? मेरा विजन डॉक्यूमेंट मैंने तब भी बोला था, मेरा विजन डॉक्यूमेंट एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें अब मैं सबसे पहला स्टेप ये लूँगा। हाँ भाई मेरे वो आदिल, हाँ आदिल कहाँ, कितने दिन में बन जाएगी वेबसाइट? 2-3 दिन में, 2-3 दिन में मैं एक ऑपरेटिव इंटरैक्टिव वेबसाइट बना रहा हूँ, पूरी फॉर गुरुदी नगरी, पूरी फॉर गुरुदी नगरी। उसमें हर एक जो वोटर है अमृतसर का, हर एक जो सिटीज़न है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि वेबसाइट में अपने व्यूज़ भेजे, जो भेजे। मेरा ये बिल्कुल इरादा नहीं है कि जो आपके जो MLAs हैं या आपका MP है, मैं उसका काम ना, मैं एक सेंट्रल मिनिस्टर हूँ और जो मेरी तरफ से जो हो सकेगा, और ये सबसे एफिशिएंट तरीका होगा
मुझसे रिस्पांस लेने का कि आप इंटरैक्टिव वेबसाइट पे मेरे को मैसेज भेजिए, मैं भी जो मेरे अमृतसर के बारे व्यूज़ हैं उस पर पोस्ट करूँगा। और ये कहते हैं ना इट टेक्स टू टू टैंगो, अगर मैं अपनी तरफ से पूरी इस पर मदद करूँगा, मैं एक आदमी को डेजिग्नेट करूँगा जो इसको मेंटेन करे, आपकी तरफ से भी जो मैसेजेस आएंगे वो पढ़ेंगे हम, उस पर क्या जवाब देना होगा। तो ये कह दूँ एक हफ्ते में लॉन्च हो जाएगी, हाँ दो तीन दिन की बात नहीं करो, वो तुम्हारे यहाँ डिले हुई कहेगी जी प्रॉमिस किया था दो दिन में, एक हफ्ता लग गया, तो एक हफ्ते के अंदर ही वेबसाइट ऑपरेटिव होगी। नहीं नहीं मैं आऊँ यार, मैं ऐसा है मैं एक ये देश जो है इसकी जनसंख्या आप जानते हैं कितने हैं, 130 करोड़, कितने शहर हैं 5000 से ऊपर। मेरी कोई अमृतसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, अमृतसर के साथ मेरी दिल की लगन है, एक इमोशनल बॉन्ड है, समझे ना, वो मैं उस तरीके से करूंगा। पर ये कहूं मैं बाकी काम छोड़ के यार ये नहीं होगा, ये औजला साहब को करना पड़ेगा। और अमृतसर में घर बनाएंगे वो आपका। और यार मेरी सुन तो सुना, मैंने भाई बोला था, मैंने कहा अगर मैं एमपी बनता हूं तो मैं यहां पे करूंगा, मैं अभी एमपी नहीं हूं तब भी कर रहा हूं यार। हाँ तो यार वो तो देखेंगे किस किस्म का रिप्लाई आने देना, अगर तुसी सुनो देखो मेरी फोन दे देना तो आधे दिन वास्ते सुनो क्यों जी लोग गल्ला कर देने उधर, समझे ना। उधर उड़ान स्कीम सर एक एग्जांपल रियलिटी इस टाइम की है गियर, और मैं अजय किसी स्कीम तो ना मैं दिल्ली जवाब दे रहा ना अपने हाउसिंग अर्बन अफेयर्स फिर भी दे रहा यार। एक बड़ी हैरानगी की गल होगी कि बंदे नो एक दिन होया नहीं पोर्टफोलियो संभाले तो तुहानू मैं ऑन द रिकॉर्ड जवाब देने शुरू कर रहा है। यार ए, कोई कोई औखा नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने अगर कोई डिसीजन लेता है कुछ सोच समझ के उन्होंने डिसीजन लेता होगा। यार तुसी अपनी स्पेकुलेटिव थियोरीज इतने तो मैंने को सवाल पूछना पड़ रहा है, तुसी अपना कॉलम लिखो जो स्पेकुलेटिव थियोरी दिता है नहीं दिता है की होया। हाँ मैं किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं देंगा, मैं मनु पता है मैं कि रिएक्शन आ रहे हैं कौन मनु की व्यूज़ दे रहे हैं। ठीक जब मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी संभाले उस वक्त यही होया सी, मैं कोई भी आदमी नवी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अजय रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी संभाली नहीं तो बयान देने शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, देखो इन जगह मेरी इस वक्त 67 ईयर्स उम्र हैगी, इस वक्त मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैं उन्होंने संभालांगा, ठीक है। बाकी इधर कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं जो अमृतसर वास्ते कर रहा हूँ इमोशनल बॉन्ड वास्ते कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़न वास्ते नहीं। हाँ जी बादल साहब क्यों गुस्सा करें, यार मैं कौन होना कांग्रेस इन्नी वड्डी नहीं, इंडा पहले तो उन्होंने की कहने मौन व्रत की कहने ना, पर एक महीने का उन्होंने क्या है कि कोई बयान ना दे बोले ना एक महीने वास्ते, ठीक है एक महीने करेंगे थोड़ा मौन व्रत करेंगे अपनी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे शायद उन्होंने कोई आइडियाज आ जाए के। इस वक्त तो उन्होंने प्रॉब्लम है राहुल जी बनना नहीं चाहते ना अध्यक्ष, फिर लोग कह रहे नहीं तुम नहीं बनोगे तो कांग्रेस पार्टी बैठ जाएगी, तो काफ़ी बैठी हुई है, इसलिए मैं समझना बिल्कुल पॉलिटिकली गलत होएगा किसी ने भी उन्होंने एडवाइस देना। नहीं मेरा तो ठीक आ गया इंडिया चैप्टर, और नहीं अगली बुक तो मेरी उन छपने वाली है यार, और दो तीन कितने भाई एक तीन हफ्ते तो पहले था, अब कैसे तीन हफ्ते हो सकता है। उसने इसलिए रोकी थी, नहीं नहीं उसने इसलिए रोकी थी किताब, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग वो इंडिया के बारे है, उसने रोकी इसलिए थी, उसने कहा कि ये चुनाव के पहले आपने लिखा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर, उसका हमें क्या पता ये पोर्टफोलियो होगा आपका, तो ठीक है उसकी बात सही निकली, अब वो उसको चेंज करके छाप देगा, दो तीन हफ्ते में मिल जाएगी आपको दूंगा मैं। थैंक यू ठीक है।